रामविलास शर्मा हमेशा अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले राजनीतिक नामों में शुमार है। इस बार के बयान से न केवल वो न्यूज के हेडलाइन बन गए हैं, बल्कि उनके साथ वो भी नाम न्यूज की ब्रेकिंग बन गया है, जिनकी वजह से उनका बयान चर्चा में है। इस बार उनकी चर्चाओं में निशाना बना है सिरसा लोकसभा क्षेत्र, जिसका भाजपा लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर उनके बयान को फाइनल टिप्पणी माना जा रहा है। इस लोकसभा क्षेत्र से भाजपा का प्रत्याशी कौन है, अपने बयान में सीधा सीधा इशारा रामविलास शर्मा करते नजर आ रहे हैं। उनकी बात में ये भी स्पष्ट सुना जा सकता है कि इसकी वजह भी खास है, क्योंकि पूर्व में इस शख्सियत ने उनके कहने पर पार्टी हित में कदम उठाया। उन्होंने अपने प्रत्याशी से ज्यादा जिताने की बात कह दी है। जी हाँ, हम बता दें, चर्चा हो रही है सिरसा लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी के बारे में। वह भाजपा के वरिष्ठ नेता रामविलास शर्मा, जिनका बयान खास माना जा सकता है। उनका स्पष्ट कहना है, उनके कहने पर सुनीता दुग्गल ने बात मानी थी, इसलिए अब की बार इस मर्दानी बहन को वो सिरसा लोकसभा क्षेत्र से जिताकर लाने का काम करेंगे। तो अगर साहब ने जिताने की घोषणा कर दी है, तो सुनीता दुग्गल को प्रत्याशी तो माना जाना बनता ही है। सुने आप खुद उनकी जुबानी। सुनीता दुग्गल, सी लेफ्ट द जॉब IRS 2014 में हमारे कहने से, ये पति परमेश्वरा IPS है, ये IRS थी, IPS से ज्यादा तनख्वाह इसकी थी। और हमारे कहने से अभी 10 साल का फोन आया था। हाँ, मैंने फोन किया पर उफ नहीं। अब की बार जिता के लाओगे? जिता के MP सिरसा से। अब की बार जिता के लाओगे? जिता के MP सिरसा से। कई भाई बहनों जैसे ही होते हैं, और कई बहनें भाइयों से भी बढ़ती होती है। ये हमारी मर्दानी बहन है।